हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। और आज मैं आपको अपने कुछ प्लांट शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने ये सभी अभी रिपोर्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना ये प्लांट रिपोर्ट किया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया था और ये एक छोटे से गमले में इसमें लगा हुआ था, तो बढ़ भी नहीं रहा था, इसकी ग्रोथ भी थोड़ा रुक गई थी। तो मुझे लगा चलिए मैं आप लोगों को अपने कुछ प्लांट दिखाऊँ जो मैंने अभी रिपोर्ट किए हैं। तो एक मैंने ये जो मेरा ये आप मनी प्लांट दिख रहे हैं, ये भी मैंने अभी रिपोर्टिंग की है इसकी। और दूसरे नंबर पे ये मेरा पीस लिली का प्लांट है ना, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा प्लांट है। जैसा कि आप जानते हैं ये घर के लिए भी काफ़ी ही शुभ प्लांट होता है और इसका नाम भी आप इसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, पीस लिली, जैसे कि शांति, जिसमें कि पीस का मतलब शांति होती है, तो ऐसा ही कुछ है ये। तो आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर लगाइए, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। और मैं आपको बता दूँ, ये मैंने 3-4 साल पहले लिया था, तो ये काफ़ी छोटा सा ही आया था, बहुत छोटा प्लांट था। जैसे कि आप इसमें अब देख रहे हैं इस टाइम, तो इसमें ये काफ़ी इसमें बेबी प्लांट हो गए हैं। तो मुझे भी लगा कि अब थोड़ा सा मैं इसे, अभी बारिश का मौसम है तो मुझे इसे ट्रांसप्लांट भी करना था और एक मैं इसका जो बेबी प्लांट होता है उसको भी मैं थोड़ा सा अलग पॉट में लगा दूँगी, जैसे कि 2-3 प्लांट हो जाए तो और अच्छे लगते हैं, है ना। तो रिपोर्टिंग ज़रूर करते रहना चाहिए और जो उसके बेबी प्लांट होते हैं उसको भी आप अलग कर सकते हो, जिससे कि आपका गार्डन और अच्छा लगेगा और आपके एक ही प्लांट से 2-3 प्लांट भी रेडी हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ ये सारे ही प्लांट अभी रिपोर्ट किए हैं, तो मुझे लगा चलिए मैं पीस लिली पे आप लोगों को बताओ। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, तो इसको जो एकदम रिच सॉइल पसंद है, जैसे कि आप इसको कोकोपीट और खाली बर्मी कंपोस्ट में लगाते हो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। और आप जो 90-90-99 PK होता है तो वो आप इसे इसका स्प्रे कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं उसका बना के, बहुत नॉर्मल सा लेके उसे। तो ये बस इसे और ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, बहुत ही रफ़ एंड टफ़ प्लांट है, इसमें कोई एफिड्स, कोई कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। और इसके आप देखिए कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल आए हैं, कितने सारे, बहुत सारे प्लांट निकल आए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तेज़ धूप इसे पसंद नहीं है। अगर आप इसे तेज़ धूप में रखेंगे तो इसकी जो आप लीव्स देख रहे हैं ना इस तरह की, जैसे तो ये वर्न हो जाती है। तो आप इसे बिल्कुल सेडी एरिया में ही रखें अपने, जहाँ पे बस हल्की सी दिन की रोशनी पड़े इसको, मतलब वाटर लविंग प्लांट है ये, पानी तो इसे चाहिए ही चाहिए और धूप इसे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैंने, मेरा भी ये छत पर रखा था तो इसके थोड़े से पत्ते वर्न होने लगे, तो फिर मैं इसको अपना नीचे लेके आई हूँ। तो बस आज मुझे लगा कि मैं इसी के बारे में आपको बताती हूँ। तो अभी मैं इसका पहले ही सारा इसकी ये निकाल लूँ रूट्स, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसे कैसे रिपोर्ट करती हूँ। और इसके लिए मैंने इसकी ये सॉइल मैं पहले से इसकी मैंने बना के रखी, इसमें मेरा बर्मी कंपोस्ट और ये देखिए कोकोपीट इसमें मिला हुआ है, नीचे कोकोपीट है। तो मैं अभी दिखाती हूँ इसको निकाल लूँ, इसके लिए मुझे दोनों हाथों की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें तो आपको बहुत ही उसे सावधानी से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। अगर आपने उसकी रूट्स को पकड़ के खींचा तो वो प्लांट डैमेज हो जाएगा आपका। तो आप कोशिश करिए कि आप पूरी उसकी जो रूट्स और मिट्टी सहित निकालें, जैसे कि मैंने इसको ये निकाला है आप देख सकते हैं। तो इसको आपको बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट हाथों से पूरे गमले की मिट्टी सहित ही इसको निकालना है। अगर आप ज़रा से भी इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब, कोई भी प्लांट हो ख़राब हो सकता है आपका। तो आप कोशिश करिए कि उसकी रूट्स बिल्कुल डैमेज ना हो और बहुत ही ईजीली निकल जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरे कितने सारे इसमें बेबी प्लांट हैं। तो मैं इसको एक अलग करती हूँ अपने दोनों हाथों की हेल्प से, फिर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से इसकी रूट्स को ऐसे अलग कर लिया है, कितने बहुत ही ईजीली आपको अलग करना है, नहीं तो ज़रा सी भी इसकी रूट डैमेज हुई। और देखिए मैंने इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट ये निकाला है और बाकी तो ये आप देख रहे हैं ये है ही है। तो अब मैं इसको, ये जो 3 प्लांट हो गए मेरे अब एक ही प्लांट से, तो अब मैं इसको, ये जो मेरी कोकोपीट मिक्स और इसमें मैंने बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मैंने मिक्स किया है, देखिए आप, तो ये मैं सारा इसको मिक्स करके ऐसे लगा दूँगी, क्योंकि ये कोकोपीट इसको बहुत ही ज़रूरी है इस प्लांट को। तो ऐसे मिक्स करके मैं इसको लगाती हूँ। तो अगर आप भी फ्रेंड्स आराम से इस टाइम कोई भी एक प्लांट के 2-3 प्लांट बनाना चाहते हैं या कोई भी प्लांट आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये मौसम बहुत अच्छा है, आप आराम से इजीली
कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।